हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्वीना मेकओवर। दोस्तों, जैसा कि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ समर मेकअप। इस मेकअप को करने के बाद अगर आपको पसीना आएगा तो ना ही ये मेकअप हटेगा और ना ही ये काला पड़ेगा, यानी ये मेकअप स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ है। इस वीडियो के एंड में आप देखेंगे कि पानी से धोने के बाद भी ये मेकअप धुलेगा नहीं, वैसा का वैसा ही रहेगा। इस स्वेट प्रूफ मेकअप को करने के लिए मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट का यूज़ किया है, जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आइस क्यूब को टिश्यू या कॉटन क्लोथ में लेकर मैंने अच्छे से मसाज करा। ऐसा करने से फेस के ओपन पोर्स श्रिंक हो जाएंगे, जिससे ऑयल और स्वेट का सिक्रेशन कम हो जाएगा और हमारा मेकअप बहेगा नहीं, और ये फेस पर कूलिंग इफेक्ट के साथ फ्रेशनेस प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूट्रेजिना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल। ये जेल फॉर्म में है जो स्किन को हाइड्रेट करेगा और स्किन ऑयली भी नज़र नहीं आएगी। गाइस, समर में जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करें, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो है वो अवॉइड करें। गाइस, अगर डे टाइम में आप मेकअप कर रहे हैं तो सनस्क्रीन यूज़ करना ना भूलें। अभी लैक्मे की सनस्क्रीन मैंने अप्लाई करी है, बाद में मैंने यूज़ करा है पर्पल का सिलिकन बेस्ड प्राइमर। और गाइस, गर्मियों में सिलिकन बेस्ड प्राइमर ही यूज़ करें, क्योंकि क्रीम बेस्ड प्राइमर में ऑयल कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, जिससे गर्मियों में पसीना ज़्यादा होता है और मेकअप निकलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है कि ब्लेंडर को आइस के ठंडे पानी में भिगोकर स्क्वीज करें। ये आपके फेस पर कूलिंग इफेक्ट देगा, जिससे स्वेटिंग कंट्रोल होगी और मेकअप भी लॉन्ग लास्ट बनेगा। नेक्स्ट हम लगाएंगे स्विस ब्यूटी का एक डार्क शेड कंसीलर, जो कलर करेक्टर का काम करेगा और मेरे फेस के जो भी डार्क एरिया है उनको छिपाएगा। इसको भी गाइस अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने यूज़ करा है फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। स्वेट प्रूफ मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा वाटर प्रूफ फाउंडेशन ही आप यूज़ करें, और इसको भी अच्छे से ब्लेंड करें, क्योंकि एक अच्छी ब्लेंडिंग ही आपके बेस को जो है वो फ्लॉलेस बना देती है। नेक्स्ट मैंने लिया है मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर, और इससे मैं अपने फेस के कुछ एरिया हाईलाइट करूंगी। इसको भी अच्छे से ब्लेंड करना है। वैसे इस कंसीलर की बात करें तो इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है और ये अफोर्डेबल भी है। बेस तो हमने बना लिया, लेकिन अब आती है इसको लॉक करने की बारी, जिसके लिए मैंने लिया है क्राइलॉन का ट्रांसल्यूशन पाउडर। ये हमारे बेस को लॉक करेगा और स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ बनाएगा। अब बेस को लॉक करने के बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे फिक्सर से बेस को फिक्स भी करें, जिसके लिए मैंने लिया है फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्सर। तो गाइस, मेकअप फिक्सर एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो फिक्सर डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, और एक ब्लेंडर लें फिक्सर डालने के बाद, और अपने मेकअप फिक्सर जो आपने यूज़ करा है उसको अच्छे से बेस में सेट कर दें। तो अब कर लेते हैं ब्राउ डिफाइनिंग, जिसके लिए मैंने यूज़ करा है पैक का ब्राउ पैलेट। आपको ब्राउ डिफाइन ज़रूर करना है, इससे आपकी ब्राउ के अनवांटेड हेयर भी हाइड हो जाते हैं और ब्राउ आपकी शेप में भी दिखाई देती है। तो चलिए अब कर लेते हैं आई मेकअप। इसके लिए मैंने यूज़ करा है वेट एंड वाइल्ड का पैलेट। फ्रेंड्स, मेरा मेन फोकस इस वीडियो में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस को लेकर था, तो इसलिए मैंने आई मेकअप को डिटेल में एक्सप्लेन तो नहीं करा। गाइस, आई मेकअप आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो गाइस, काजल भी वाटर प्रूफ यूज़ करें ताकि वो स्मज ना हो। मैंने यहाँ कलर बार का काजल यूज़ करा है। और अब कर लेते हैं फेस को कॉन्टूर, जिसके लिए मैंने यूज़ करा है मेकअप रिवोल्यूशन का कॉन्टूर पैलेट, और कुछ एरिया कॉन्टूर करके अपने फेस को शार्प कर लिया। इसके बाद करेंगे ब्लश। मैंने यूज़ करा है मेकअप रिवोल्यूशन का ब्लश पैलेट। ब्लश करने से गाइस आपका मेकअप जो है वो एकदम नेचुरल लगने लगता है। अब फेस को ग्लोई दिखाने के लिए मैंने यूज़ करा है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। और हाँ, मैं मस्कारा लगाना तो भूल ही गई थी, तो मैंने यूज़ करा है मेबलिन हाइपर कल मस्कारा, और आईलाइनर मैंने नहीं लगाया है, ये एकदम ऑप्शनल है। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन वो भी आपको वाटर प्रूफ ही यूज़ करना है। फ्रेंड्स, यहाँ इस मेकअप को करने के लिए मैंने सभी प्रोडक्ट वाटर प्रूफ यूज़ करे हैं, तो आपको लिपस्टिक भी वाटर प्रूफ ही लेनी है। मैंने यहाँ ली है MM स्टोरी और लव अर्थ की लिक्विड लिपस्टिक। हो सके गाइस तो ग्लॉसी लिपस्टिक जो है वो गर्मियों में अवॉइड करें। बेस को फिक्स करने के लिए हमने पहले जैसे मेकअप फिक्सर का यूज करा था, वैसे ही एक बार फिर लास्ट में सारा मेकअप कंप्लीट होने के बाद फिर से एक बार मेकअप फिक्सर का यूज करना है। तो गाइस, मेकअप कंप्लीट हो गया है। क्या ये मेकअप वाटरप्रूफ है या नहीं, तो चलिए चेक कर लेते हैं।
तो चेहरे पर पानी डालने के बाद मैंने टॉवल से पोंछ कर चेक करा तो ये मेकअप बिल्कुल भी रिमूव नहीं हुआ। इवन हाथ से भी मैंने रब करा तो बिल्कुल भी नहीं निकला। तो ये मेकअप 100% स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ है। आप इस मेकअप को गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, पसंद आए अगर आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।